नारायण नारायण ये हमको मालवीय जी ने कहा था कि कोई काम आरंभ करना हो तो पहले चार बार नारायण 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 तो ऐसा है कि विराट भगवान का स्वरूप है और वो केवल अर्जुन को दिखाने के लिए नहीं है, सचमुच ये स्थूल समष्टि भगवान का स्वरूप है। आप मांडुक्य उपनिषद में जब विश्व विराट तेजस हिरण्यगर्भ प्राज्ञ ईश्वर और तुरीय तत्व का वर्णन करते हैं तो जागृत स्थान के रूप में विराट चैतन्य का वर्णन आता है। उसके दर्शन का अभिप्राय ये है कि आप सहस्र शीर्खा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपाद का दर्शन करें, हजारों सिर हैं हजारों सिर हैं हजारों आंख हैं हजारों पांव हैं, ये सब आपको मालूम है वृक्षों के भी पांव होते हैं, वृक्षों की आंख भी होती है, वृक्षों के सिर भी होता है। पादप बोलते हैं वो पांव से अपना भोजन लेते हैं और कौन आदमी उसको काटने को आया है और कौन सींचने को इसको पहचानते हैं। तस्मात् पश्यन्ति पादपाः अपि ग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्। पत्थर भी रोते हैं हीरे का दिल भी फटता है। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा कहा है कि श्री रामचंद्र के वनवास को देखकर अपि वृक्षा परिमलाना सब के सब वृक्ष मुरझा गए। तो इसमें जितना भी जीवन है मरण है विजय है पराजय है लाभ है अलाभ है ये सब परमात्मा का विराट स्वरूप है और उसमें राट शब्द लगा देने का अर्थ है कि परम सुंदर है परम मधुर है। विविधम राजते इति विराट अनेक रूप में भगवान अपने को प्रदीप रोशन कर रहा है। राजदीप्तो रोशन कर रहा है परमात्मा अपने को अनेक रूप में। तो अर्जुन के मन में ये गिलानी न रहे कि मैं युद्ध करता हूं और बड़ों के साथ युद्ध करता हूं। कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणंज मधुसूदन अर्जुन के हृदय की सारी गिलानी मिटा देने के लिए संसारी लोग किसी चीज को अच्छी समझते हैं किसी को बुरी, किसी क्रिया को अच्छी समझते हैं किसी को बुरी, किसी भाव को अच्छा समझते हैं किसी को बुरा, किसी स्थिति को अच्छी समझते हैं और किसी को बुरी। परंतु जब विराट रूप का दर्शन हो जाता है तो सुख दुखे समय कृत्वा अलाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व
ये जो भगवान का आदेश है उसका निसंकोच पालन हमें लगता है। तो शास्त्र जो होते हैं वो भगवान को सिखाने के लिए नहीं होते हैं, वो जीव को सिखाने के लिए होते हैं। और जीव अपनी वासना, अपनी आसक्ति, अपने हृदय के राग द्वेष से इतना बंधा हुआ है कि वो उन्मुक्त भाव से चिंतन नहीं कर सकते। जब विराट रूप का दर्शन होता है भगवान के, तो उन्मुक्त रूप से वो परमात्मा का चिंतन कर सकता है। कीट पतंग के रूप में भी, पशु पक्षी के रूप में भी, जो घास पात धरती से पैदा होते हैं उनके रूप में भी वो परमात्मा का पुनीत हो, सब भगवान की लीला है। भाई जी का एक पद मैंने कहीं पढ़ा था, हनुमान प्रसाद जी का, देख मौत का रूप धरे मैं, नहीं डरूंगा तुमसे नाथ। एक पद उनका था, एक लालसा मन में धारूं, बंसी बट कालिंदी तट नट नागर नव निहारूं। तो विराट के दर्शन का अभिप्राय ये है कि रणभूमि में और अरण्य में, मृत्यु में और जीवन में, मुक्ति में और बंधन में, सुख और दुख में, सर्वत्र हमें परमात्मा का दर्शन होने लगे। और ये जो कुछ संस्कार अपने हैं, कुछ पोथी में पढ़ के बन गए हैं, कुछ परंपरा से बन गए हैं, कुछ मजहबी जो आचार जिन्हें शैव वैष्णव मोहम्मद ईसाई, कुछ परंपरा से बने हैं, कुछ इन पैगंबरों से बने हैं, कुछ पोथियों से बने हैं, बच जाते हैं कि खुलकर उनको नहीं समझ पाते। तो ये भगवान का विराट रूप उसी भाव के दर्शन के लिए है, और भगवान का क्या कर्तव्य है ये बताने के लिए नहीं है, अर्जुन का क्या कर्तव्य है ये बताने के लिए है। शास्त्र जीव के लिए होते हैं, शास्त्र ईश्वर के लिए नहीं होते। मानुषेषु महाराज धर्माधर्मौ प्रवर्ततः न तथान्येषु भूतेषु मनुष्य रहितेष्विह। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा कि ये धर्म धर्म का जो विभाग है वो मनुष्य के लिए है, मनुष्य से अतिरिक्त जो प्राणी है उनके लिए धर्माधर्म का विभाग नहीं है। तो विराट दर्शन से अथवा हिरण्य गर्भ दर्शन से, हिरण्य गर्भ दर्शन में वैकुंठ, गोलोक, साकेत, शिवलोक सब है, और सुषुप्ति के दर्शन में, सुषुप्त स्थान के दर्शन में अंतर्यामी ईश्वर प्राज्ञ का दर्शन है, और परमात्मा का स्वरूप तीनों स्थानों से उन्मुक्त तुरीय है। इसलिए देह भाव को छोड़कर, देह की वासनाओं को छोड़कर, मान्यताओं को छोड़कर मुक्त जीवन, उन्मुक्त जीवन व्यतीत करने के लिए ये भगवान के विराट रूप का दर्शन है। यह भी तुम हो, यह भी तुम हो, यह कहूं, वह कहूं, तुम कहूं, मैं भी कहूं,
नाम तो अनेक हैं, रूप धरे बैठे हो, ये सब नाम ही अनेक होते हैं, वस्तु एक ही होती है। तो भगवान अर्जुन को इस तत्व का साक्षात्कार कराने के लिए विराट रूप दिखाते हैं, और कोई भी मनुष्य अपने कर्तव्य से विचलित ना हो, ये उससे प्रेरणा मिलती है। जल्लाद जल्लाद का काम करे संविधान के अनुसार, 5 मिनट पहले किसी को फांसी ना दे, 2 मिनट देर न करे, जिसको फांसी चढ़ानी है उसको गाली न दे, उसको डंडा न मारे। सब लोग अपने अपने संविधान के अनुसार उसमें स्थिर रहें। सब विराट का स्वरूप है, ये विराट के स्वरूप को दिखाने में नारायण अभिप्राय है। हम लोग अपनी अपनी संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठें। भीष्म द्रोण कर्ण सभी तो मर रहे हैं। अच्छा महाराज।